टायर वाटर जंपिंग मैजिक वीडियो को आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, उस चीज को आपको ध्यान से समझ लेना है। सबसे ये भैया साइकिल वाला एक टायर चाहिए होगा, ये टायर आपको ले लेना है, मिल जाएगा। बहुत सारे पुराने टायर घरों में पड़े होते हैं, नहीं मिले तो आप किसी भी पुराने साइकिल की शॉप से जाके पुराना एक टायर ले लें। और एक आपको चाहिए ग्रीन पर्दा, ग्रीन हो, रेड हो, ब्लैक हो, इन तीनों में से आप कोई सा भी एक पर्दा आपके पास होना चाहिए। और आपको इस टायर के बीच में, इस टायर के जो बीच में ना, इसमें जो आपको इसमें फंसा लेना है, गोल गोल पूरा ऐसे फंसा लेना है इसमें। और फंसाने के बाद पूरा एकदम प्लेन रहना चाहिए, बीच में आपका सिमटा हुआ नहीं रहना चाहिए, एकदम प्लेन रहना चाहिए टायर के बीच में। और आप उसको एक सार जगह पे रखें, जैसे देखिए आपको वीडियो भी दिखाई दे रहा होगा, हमने इसको एक सार जगह के इस तरीके से आपको वीडियो को शूट करना है, इस तरीके से आपको शूट करना है। और एक चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपका फोन बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, हिले ना बिल्कुल भी। फोन अगर आपका हिलेगा दोस्तों तो फिर एडिटिंग में फिर मजा नहीं आने वाला, इसलिए मैं कह रहा हूँ फोन आपका स्टेबल हो, ट्राईपोड हो, ट्राईपोड पे लगा हो, या फिर आपका फोन कहीं एक जगह स्थायी हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको वीडियो को शूट करना है ना, बहुत यूनिक वीडियो है और एडिटिंग में आपको कुछ ज्यादा समय नहीं लगने वाला, बहुत कम समय में ये वीडियो एडिट हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। और बाकी जो इसके वाटर वाला इफेक्ट है, या जो वाटर पानी में जंप करते हैं, जो वाटर उछलता है ये वाला इफेक्ट है, तो ये सारे इफेक्ट आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे मेरे, आप टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डालता ही हूँ, आप फटाफट उसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद देखो मैंने सारे इफेक्ट आपको टेलीग्राम पे दे रखे हैं, आपको सभी इफेक्ट मिल जाएंगे, जो जो मैं अपनी वीडियो में यूज करता हूँ वो आपको सारे इफेक्ट टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और बने रहें टेलीग्राम के, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें। आप लोग जैसे जैसे सपोर्ट करेंगे ना, तो मेरे चैनल पे आपको ना एकदम ट्रेंडिंग वीडियो मिलेंगी, और अभी तक ऐसा ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल कोई नहीं देता, लेकिन मैं आपको नई नई ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल दूंगा यहाँ पे, मेरे चैनल पे आपको यही मिलेंगे। तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे एडिटिंग की ओर। ग्राइंड मास्टर को हम ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का, आपको क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है और 9:16 का रेशियो लेना है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, क्रिएट कर देना है। यहाँ पे अब हम लेके आएंगे सबसे पहले अपना वीडियो जो हमने शूट किया है, तो यहाँ पे अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे। तो जैसे हमारा ये करेक्टर, हमारा भाई ये स्टार्ट हुआ, तो हम यहाँ से कैंची में जाएंगे और ट्रिम लेफ्ट करेंगे, जिससे कि हमारा आगे का हिस्सा कट जाएगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या, जैसे इस भाई ने यहाँ पे देखिए ये जंप किया, इसका पैर यहाँ तक आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे स्प्लिट, कैंची में जाएंगे और यहाँ से करेंगे स्प्लिट। अब यहाँ पे जैसे भाई हमारा फ्रेम से बाहर हो गया, तो अब हमें यहाँ पे ये देख लेना है, जैसे हमारा फ्रेम ये देखिए भाई हमारा यहाँ से बाहर हो गया, तो अब हमें यहाँ पे ट्रिम लेफ्ट कर देना है, यानी कि बीच वाला हिस्सा हमारा कट जाएगा। अब हमें ये देखना है कि वीडियो के एंड हमारा कहाँ तक है, तो जैसे ये हमने यहाँ पे जंप करके जैसे हम यहाँ से चले, तो ये हमारा वीडियो का एंड हो गया। तो यहाँ पे हम फिर कैची में जाएंगे और यहाँ से ट्रिम राइट कर देंगे, तो हमारा ये राइट वाला हिस्सा कट जाएगा। अब इस वीडियो पे आपको क्लिक करना है, इसका स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेना है, तो स्पीड हम इसका कर देंगे 1.5, ठीक है। और आगे वाला हिस्से पे क्लिक करना है, इसका स्पीड कर देंगे हम 1.2 कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा 16 सेकंड की वीडियो की लेंथ हो गई है। अब हमें आगे वाले पार्ट पे क्लिक करना है, इसके एंड में आना है और यहाँ पे ले लेना है एक आपको कैप्चर, कैप्चर ले लेंगे, ये आपका सेफ हो गया कैप्चर गैलरी में। तो अब आपको यहाँ से कट करके होम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है रिमूव बीजी, आपको सर्च कर लेना है इस टाइप से, इस पर आपको क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो अपलोड इमेज या तस्वीर अपलोड करना यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और अपना जो हमने अभी कैप्चर लिया उसको यहाँ पे ले आएंगे। देखिए कुछ सेकंड लेगा ये और ये हमारा यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, इस तरीके से देखिए ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसको हम यहाँ से तीर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और करने के बाद अब हमें यहाँ पे फिर से आ जाना है काइन मास्टर में, और आपके इस वीडियो के एंड पे स्टेप पे क्लिक करके यहाँ पे एंड पे आके आपको लेयर में जाना है और अपना जो अभी आपने कैप्चर यानी कि बैकग्राउंड रिमूव किया है इसको ले आएंगे। इसको करेंगे हम आप फुल फ्रेम इस टाइप से, अपने साइज से इसका साइज मिला लेंगे इस टाइप से, ये हमारा साइज मिल गया। अब हमें इसके एंड में आना है, इसके एंड में आना है और यहाँ पे चाबी वाला यानी कि ये आइकन दिखाई दे रहा होगा प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको आपको इस टाइप से नीचे ले जाना है, ठीक।
या आप नीचे ले गए, फिर इसकी लेंथ आपको कम कर देनी है इस टाइप से। हम इसको आप प्ले करके देख लेते हैं कैसा हमारा इफेक्ट लगा। ये ठीक ही हमारा ठीक से वर्क कर रहा है। पहले वीडियो पे क्लिक करके आपको यहाँ पे थ्री डॉट में जाना है और यहाँ पे आपको कर देना डुप्लीकेट एस लेयर। इस पर जब आप क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन का, इसको आपको पहले फुल करना है। इस टाइप से ये फुल हो जाएगा और आपको इसको हाफ कर देना है। ये हाफ करेंगे तो इसको आपको यहाँ पे रखना है बीच में, टायर के बीच में रखना है इस टाइप से। अब आप इसको प्ले करके देखें, उसके अंदर जाते दिखाई देगा। के बाद आपको इस बार एक बार इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे आपको सेव करना है, सेव अपने गैलरी में वीडियो को सेव कर लेना है। तो ये कुछ सेकंड में सेव हो जाएगा। अभी देखिए हमारी गैलरी में सेव हो गया है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको डिलीट कर देना है। ये वाला हमें डिलीट कर देना है इस टाइप से, और फिर मीडिया में जाना है और आपको जो आपने अभी वीडियो डाउनलोड किया है वो ले आना है। तो अब हम यहाँ पे लेके आ गए हैं। अब देखिए हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जाना है लेयर में और अपना जो मछली वाला इफेक्ट है वो लेके आना है। तो हम यहाँ पे ये मछली वाला इफेक्ट लेके आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, जहाँ ज़्यादा मछली है, जैसे ये मछली ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ट्रिम लेफ्ट कर देंगे और इसको हम लेके आएंगे वीडियो के शुरू में। शुरू में लाने के बाद इसकी स्पीड को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे इस टाइप से, 1.5 कर लेंगे। और इसको करने के बाद आपको इसको ग्रीन पर्दे पे इस टाइप से सेट करना है, ठीक है। करने के बाद अब आपको ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाना है और इसको कर देना है डुप्लीकेट एस लेयर। जब आप इसको करेंगे तो आपको इसको भी करना है स्प्लिट, इस स्प्लिट फुल कर लेंगे। करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना है और इसको इनेबल करना है, ठीक है। देखते हैं हम एक बार इसको प्ले करके। तो ये देखिए हमारा इफेक्ट लग गया है। अब इस इफेक्ट को आपको रखना कहाँ तक है वो चीज़ आपको देख, ये देखिए ये आपने जंप किया इस टाइप से, तो ये जैसे आपने यहाँ पे जंप किया, यहाँ पे इस टाइप से ये आपको ये आपने जंप कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है मछली वाले इफेक्ट पे और इसको ट्रिम राइट कर देना है। और ये वाला जो आपने डुप्लीकेट एस लेयर किया था इस पर भी क्लिक करके यहाँ से इसको भी ट्रिम राइट कर देंगे। अब ये हमारा अच्छे से मैच हो गया, अगर ना हो तो उसको और आप एडजस्ट कर लें, ठीक है। ये हमारा मैच हो गया। अब हमें लाना है कौन सा, जो वाटर हमारा उछलता है वो वाला इफेक्ट लेके आना है। तो वो उसके लिए अब हमें देखना है कहाँ पर लाना है उसको। जैसे ये भाई हमारा यहाँ पर जंप किया, देख ये हमने यहाँ जंप किया, तो हम जो है लेयर में जाएंगे और वो वाला इफेक्ट हम लेके आएंगे वाटर उछलने वाला। अब देखिए दोस्तों हम वाटर वाला इफेक्ट लेके आ गए हैं इस टाइप से, देखिए इसमें आपका वाटर ये उछल रहा है। तो अब आपने करना क्या है, इसमें जाना आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, इस पर ब्लेंडिंग पे जाना है और इसको कर देना है आपको स्क्रीन। जब आप स्क्रीन करेंगे इस टाइप से ये आपका आ जाएगा, तो इसको आपको सेट करना है। तो अब आपको इसको मिलाना है, कैसे मिलाना है पहले आप एक बार प्ले करके देख। तो ये हमारा ठीक से मैच हो गया, ठीक है। तो ये इसमें देखिए डबल है वाटर जंपिंग का, तो आगे का हम जो इसको कर देंगे कट, ट्रिम राइट कर देंगे। अब आप एक बार इसको प्ले करके देखें कि आपका ये वीडियो कैसा बना, ठीक है। ये आपका लग गया और ये आपका इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो बन गया है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल वीडियो है। इसमें आपको अब जैसे कोई सॉन्ग वगैरह लगाना है म्यूजिक, तो आप लगा सकते हैं। मैं वीडियो में लगा के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइटेड है लॉन्ग वीडियो के लिए। शॉर्ट वीडियो में आराम से आप लगा सकते हैं, कोई भी जो आपने म्यूजिक देखा ही होगा मेरे शॉर्ट में आप वैसा लगा सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी दे रखा है म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक, आप उसको वहाँ से ले लें। टेलीग्राम जिसके पास नहीं है वो लिंक में जाके ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इस टाइप से ये आपका वीडियो बनके रेडी हो गया है और आपको सीधा यहाँ से सीधे से डाउनलोड। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बड़े आराम से इस वीडियो को बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों आप मेरे चैनल पे बने रहें, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। अगर जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैजिक VFX रिलेटेड सारे VFX ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।